सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 2, दैट इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का मॉक टेस्ट पेपर, जो आपके आईसीआई ने कंडक्ट कराया था फॉर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। जैसे आप सब जानते होंगे, आपके हर अटेम्प्ट से पहले इंस्टीट्यूट 2 मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट कराता है। तो इस बार का जो फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर है वो कंडक्ट कराया गया था नवंबर एंड में। इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ मैंने पूरा डिस्कस किया था इसी चैनल पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा। वो आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छी केस स्टडी उसमें कवर थी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ आपका जो सेकंड मॉक टेस्ट पेपर है, जो दिसंबर में कंडक्ट कराया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16th of December एग्जैक्ट डेट थी जब ये कंडक्ट कराया गया था, तो उसका क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगेन, इसके अंदर भी एक दो अच्छी केस स्टडीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए पेपर के लिए। जल्दी देखा गया है कि एग्जाम के अंदर जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर होता है उसमें से एक आधा क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है, तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं। अगेन, जो ये क्वेश्चन पेपर है और साथ में इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों को ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो लोग वहां से डाउनलोड ना कर पाए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, दैट इज सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल से इसको ले सकते हैं, ठीक है जी। साथ साथ मैं जो आपको आंसर्स बताता जाऊंगा वो आंसर्स मैं अपने चार्ट से भी रेफर कराऊंगा। ये चार्ट्स भी अगेन जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। पूरा का पूरा लॉ का सिलेबस इसमें समराइज्ड है। साथ में मैं अपने क्वेश्चन बैंक का भी जिक्र करूंगा, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट पेपर की बात करें तो अगेन जैसे नॉर्मल होता है आपका इंस्टीट्यूट का एग्जाम 2 पार्ट में था। ये भी सेक्शन ए बिजनेस लॉ से रिलेटेड, सेक्शन बी आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड। टोटल हमारे पास वही आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप लोगों ने कमर्स के अंदर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं पूरा का पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कंपलसरी होता है, 3 पार्ट्स होते हैं हमेशा इसके अंदर, 4 मार्क्स ईच के। पहला क्वेश्चन हमेशा आपका जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी होती है, सेकंड क्वेश्चन हमेशा कंपनी एक्ट की केस स्टडी होती है, और थर्ड क्वेश्चन हमेशा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का थ्योरी क्वेश्चन होता है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करते हुए ये बनाया गया था। पहला क्वेश्चन देखें इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आपकी केस स्टडी। तो आइए देखें एक बार इसको। मिस्टर निखिल हैज डिसाइडेड टू गेट इंटीरियर वर्क फॉर हिज न्यू ऑफिस। फॉर दिस पर्पस ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेसर्स शेरी एंड शेरी फाइन इंटीरियर्स। इट वाज एग्रीड दैट मेसर्स शेरी फाइन इंटीरियर्स विल कंप्लीट द इंटीरियर वर्क लेटेस्ट बाय 31st जनवरी 2023। तो बेटा एक डेट फिक्स कर दी गई थी 31st जनवरी 2023 की, कि तब तक काम कंप्लीट करना है। ऑन 31st जनवरी 2023 मिस्टर निखिल ऑब्जर्व्ड दैट ओनली 20-30% ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। He decided to cancel the contract with Messrs. Sherry Fine Interiors. On cancellation of the contract, Messrs. Sherry Fine Interiors filed a suit against Mr. Nikhil for recovery of the cost which it has incurred on the interior work. Mr. Nikhil argued that Messrs. Sherry Fine Interiors did not complete the work within the time as per contract, and further the work done till 31st January 2023 by Messrs. Sherry Fine Interiors was of no use to him, as he has to appoint a new interior designer. बात तो वो सही कह रहे हैं कि जो 10-20% आपने काम किया मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे नया इंटीरियर डिजाइनर अपॉइंट करना पड़ेगा। एक्सप्लेन, whether Nikhil is liable to pay the cost of work done by Messrs. Sherry Fine Interiors under the provisions of Indian Contract Act 1872. सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे एक टाइम सेट करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, 31 जनवरी तक को कंप्लीट कराना था। उस दिन तक जब 20-30% हुआ तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, एक नया इंटीरियर डिजाइनर आपने उसके लिए अपॉइंट कर लिया। जो पुराना इंटीरियर डिजाइनर है वो आपसे उसका जो थोड़ा बहुत काम उसने किया है उसकी पेमेंट मांग रहा है। तो बेसिकली क्या क्या बात इसके अंदर कवर करने वाली है, किन किन टॉपिक्स को आप टच करेंगे। अगर हम केस आंसर लिखने की बात करें तो सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर डिस्कस करने वाली है, ये वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, जहां पर आपने बेसिक फोकस इस पर करना है कि जब टाइम असेंशियल होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया जाता है प्रोमिसर की तरफ से, तो प्रोमिसी के पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो रिसिंड कर सकता होता है। यहाँ पर हम कहेंगे जी 31 जनवरी तक की डेट फिक्स की गई थी प्रोमिसर की तरफ से, यानी कि मेसर शेरी फाइन इंटीरियर्स की तरफ से। जो आपका प्रोमिसी है निखिल, उसके पास अब ये ऑप्शन आ जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकता है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हाँ वो अपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड ही कर रहा है। तो ऐसे केस में फिर आप दे नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड किया जाता है क्या कोई बेनिफिट वगैरह लिया जाए, तो रिस्टोर करना होता है 64, जहां रिसिशन की बात की जाती है, रिसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसका जिक्र करेंगे। तो जो टाइम ऑफ असेंस वाली बात है, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो बेटा ये 55 नंबर सेक्शन है, 64 आपकी बात करता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स की। अब ये लिखने के बाद आप इस बात पे आएंगे कि ठीक है सर, इस केस में एक ऑप्शन था कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड करने का, मिस्टर निखिल ने कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड भी किया। जनरली रिसिशन के केस में जो बेनिफिट रिसीव्ड होता है वो उसका वो आपको रिस्टोर करना पड़ता है, रेस्टिट्यूट करना पड़ता है। क्वेश्चन उठता है कि क्या इस केस के अंदर एक्चुअल में निखिल को कोई बेनिफिट मिला भी है,
क्या ये आधा अधूरा काम बेनिफिट है? द आंसर इज नो, बट ये आधा अधूरा काम बेनिफिट नहीं है। आप उससे कुछ एंजॉय थोड़ा ना कर पा रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनर आया, थोड़ा सा काम करके चला गया, आपने एक नया इंटीरियर डिजाइनर सोचा इसलिए सारा काम दोबारा करेगा, तो देयर वाज नो बेनिफिट रिसीव्ड। जल्दी कुछ बच्चे इसमें पूछता सर मैं क्वांटम मेरिट से आंसर दे दूं उसका, कि हाँ क्वांटम मेरिट जितना काम किया है उतना डिजर्व करता है। क्वांटम मेरिट बेटा एक बात ध्यान रखने वाली होती है, क्वांटम मेरिट वो व्यक्ति ले सकता होता है, उस पार्टी को मिलता है जिसका खुद का कोई डिफॉल्ट नहीं होता है, जो गिल्टी पार्टी नहीं होती है। ऐसे केस में अगर आप क्वांटम मेरिट का भी जिक्र करेंगे तो उस केस में भी सोल्यूशन सेम बनेगा कि मैसर शेरी जो है उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, कंप्लीट ना करके रिसेंड किया, तो ऐसे केस में वो क्वांटम मेरिट का क्लेम नहीं ले पाएंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली आपका जो इंस्टीट्यूट का आंसर देखेंगे उन्होंने इन दो सेक्शंस के ऊपर आंसर दिया है। एक पहले उन्होंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर दिया है, आप चाहें तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूरी दे सकते हैं। उसके बाद हमने कहा जी ओनली मैंने फर्दर मैंने पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू परफॉर्म द वर्क विद इन स्पेसिफाइड टाइम बट कुड नॉट परफॉर्म इन दैट टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। ये 55 वाली बात कह रहे हैं, इफ द प्रॉमिसी हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट ही मस्ट रिटर्न टू द प्रॉमिसरी, 64 वाली बात होगी। इन द गिवन प्रॉब्लम द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर निखिल एज द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड within the time agreed in the contract. Further, Mr. Nikhil is not liable to pay the cost incurred by Messrs. Sherry Interiors and the cost did not provide any benefit to him and he has to appoint a new designer. तो दोनों बातें आप बताएंगे, हाँ रिसेंट कर सकता है, प्लस कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल में कोई बेनिफिट इसको रिसीव हुआ ही नहीं है। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कवर करा रहा हूँ, एक दो अच्छी केस स्टडीज के अंदर दी हुई है। सेकंड स्टेट फॉरवर्ड है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली नहीं है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 35 लाख रुपीज इन टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़ रुपीज। Whether the ABC Private Limited can avail the status of small company in accordance with Companies Act, this also discuss the definition of small company. Small company के definition पूछिए आपसे सीधा सीधा, तो आप small company के definition देंगे इसके अंदर, साथ में आप इसके अंदर क्या करेंगे उस definition को apply करके इसका answer दे देंगे। तो definition की बात करें तो ज्यादातर students को पता ही होता है कि सर small company 2 clause 85 में defined है, दो condition इसके अंदर होती है, paid up share capital 4 करोड़ और टर्न ओवर 40 करोड़, दोनों को आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डेफिनेशन आप देंगे, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड वी शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ और टर्न ओवर आपका 40 करोड़ सच हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब्ड वी शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। उसके बाद आप बताएंगे कि कुछ कंपनीज होती हैं जो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती है, जैसे आप किसी की होल्डिंग है, सब्सिडरी है, सेक्शन 8 कंपनी है, कोई कंपनी गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट है या आप कोई पब्लिक कंपनी है, तो ऐसे केस में आप जनरली क्या नहीं हो सकते हैं, आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता है भले ही आप दोनों कंडीशन पूरी कर दें। ये सब बताने के बाद क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा, दोनों की दोनों कंडीशंस यहां पूरी हो रही हैं, आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है मात्र 35 लाख रुपए का है और टर्नओवर जो है सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का है, तो विद इन द लिमिट ऑफ 4 करोड़ और 40 करोड़ आती है, दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, इसलिए कंपनी क्या मानी जाएगी, इट कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जल्दी पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन की एप्लीकेबिलिटी थी, जल्दी बेटा ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे पूरे 4 नंबर आसानी से लिए जा सकते होते हैं। ठीक है जी, तीसरा क्वेश्चन, ये मैंने आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है आपका, जो मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई थी एवीजे में उसके अंदर भी, और शायद जो क्लासेस के दौरान टेस्ट हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन डाला गया था, दो एक बार मैं पूछ चुका हूँ ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको मैंने चार्ट से भी इसको एक बार दिखा देता हूँ अपना आंसर, इसका मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर किया था, जहाँ एप्रोप्रिएशन वाला जो आपका सेक्शन 18 और 23 का कंसेप्ट आता है कि आप अनअसर्टेन्ड गुड्स में प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, वहाँ एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट आता है कि प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी जब अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और जब अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड की बात करते हैं तो एप्रोप्रिएशन के एसेंशियल्स उसके अंदर दिए जाते हैं, ये वो टॉपिक है पूरा का पूरा। तो आप पहले इसमें बताएंगे कि हाँ 23 सबसेक्शन 1 के साथ अगर के हिसाब से अगर आपने सेल ऑफ अनअसर्टेन या फ्यूचर गुड्स की है बाय डिस्क्रिप्शन और वो डिलीवरेबल स्टेट में वैसे देने हैं अपने गुड्स, तो इनके अंदर प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होती है जब ये अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कर दिए जाते हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट, इधर बाय द सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द असेंट ऑफ द सेलर, तो उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद आप अप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन देकर सारे के सारे जो एसेंशियल्स हैं कि यहाँ एक अनअसर्टेन या फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि अनसर्टेन है तो डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी के हिसाब से बताए गए होंगे, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट करना है, सेलर कर सकता है विद द असेंट ऑफ बायर, बायर कर सकता है विद द असेंट ऑफ सेलर, एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, इधर बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन असेंट दिया जा सकता है। तो क्लास में अच्छे खासे हमने इसके एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल वगैरह आपको कुछ देने की जरूरत नहीं होती है, सीधे सीधे जो आपके ये 7 पॉइंट्स हैं आपके एप्रोप्रिएशन के एसेंशियल्स के सारे के सारे देने होते हैं। सजेस्टेड आंसर भी देखेंगे आप इंस्टीट्यूट का, बिल्कुल वही 23 सबसेक्शन 1 पहले बताया हुआ है, उसके बाद सारे के सारे ए से लेकर आपके जो जी तक 7 एसेंशियल्स हैं सारे के सारे यहाँ कवर किए हैं। ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन था, सारे एसेंशियल्स आपको बताने थे, एप्रोप्रिएशन क्या होता है और उसके आपको एसेंशियल्स के अंदर बताने को कहा गया था। ठीक है जी, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन अगेन दो पार्ट होते हैं हमेशा इसके अंदर, एक 7 मार्क्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट एड का क्वेश्चन होता है थ्योरी क्वेश्चन, और एक 5 नंबर का आपका एलएलपी का क्वेश्चन होता है अगेन थ्योरी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमेशा प्योरली थ्योरी होता है पूरा का पूरा, जल्दी इसके अंदर कोई केस स्टडी पूछी नहीं जाती है। 7 मार्क्स की जो यहाँ पे इस बार आपका क्वेश्चन दिया गया था, दैट वॉज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट एंड एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू दिस रूल। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको एक्सेप्शन बताना है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूल का। तो पहले प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल क्या होता है एक लाइन में समझा दीजिए, उसके बाद टोटल इसके अंदर हमने 7 एक्सेप्शन कवर की हुई है, 7 तो एक्सेप्शन आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगे। कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं देना, सिंगल लाइन में इसको एक्सप्लेन करते जाइएगा। ट्रस्ट का केस होता है जहां पे ट्रस्टी सूट फाइल कर सकता है, भले ही वो आपका सेटलर और आपका जो सॉरी आपका बेनिफिशियरी सूट फाइल कर सकता है, भले ही वो ट्रस्टी और आपका जो सेटलर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए हुआ है, वो पार्टी की नहीं है लेकिन वो सूट फाइल कर सकता होता है। फैमिली सेटलमेंट में भी ऐसे हमने देखा था, मैरिज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट, तो 7 हमने इसमें एक्सेप्शन करी थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्शन आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। तो अक्सर मैंने आपका मैं कहा था, जिस समय फुल सिलेबस का मैंने टेस्ट करवाया था उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो टेस्ट था उनमें से किसी एक में क्वेश्चन मैंने 7 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 7 नंबर का आपके मॉक टेस्ट में अंदर दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद अगेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर इन केस ऑफ फ्रॉड अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 30 ऑफ एलएलपी का क्वेश्चन है। स्टेट फॉरवर्ड कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 30 आपको एक्सप्लेन करना है। 30/3 मेन कहानी के बारे में बात करता है कि अगर कोई फ्रॉड कमिट किया गया है बाय द एलएलपी और इट्स पार्टनर्स अगेंस्ट एनी पर्सन, तो एलएलपी एज वेल एज पार्टनर उसके प्रति अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखेंगे। हाँ, एलएलपी अपनी लाइबिलिटी से बच सकती है ये कहकर कि पार्टनर ने जो एक्ट किया है वो उसकी नॉलेज या अथॉरिटी के बिना किया है। दूसरा, फाइन और पेनल्टी की बात है, इंप्रिजनमेंट 5 साल तक हो सकती है, फाइन 50,000 से लेकर 5 लाख तक। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति को इससे नुकसान हुआ है उसको आप कंपनसेशन देने के लिए लायबल होंगे। अगेन एलएलपी की जो लायबिलिटी है वो बच सकती है अगर वो कहेगी जो उसका पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर है जिसने फ्रॉड कमिट किया है वो उसकी नॉलेज के बिना काम हुआ है, उसकी अथॉरिटी के बिना काम हुआ है। तो पूरी क्लास में हमने बात की थी, 3 ही बातें हैं जो सेक्शन 30 के हिसाब से आपको बतानी होती है, एज इट इज सेक्शन 30 उन्होंने थ्योरी के अंदर पूछा हुआ था, ठीक है जी। अगेन सेक्शन 3 में अपना क्वेश्चन 3 की बात करें, पहला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप एक्ट से थ्योरी का होता है, दूसरा क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से केस स्टडी बेस्ड होता है। ये दोनों क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन 2 पार्ट में आया है, 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दी हुई है, जो विल नहीं होती है उसको हम फिक्स पीरियड बुलाते हैं, जिसके अंदर फिक्स टाइम मेंशन होता है, उसके खत्म होने के बाद पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो 2 लाइन के अंदर आपको डिफाइन कर देना था पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट नॉट टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए आपको उसको डिफाइन करना है, कोई लंबा चौड़ा मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, जस्टिफाई योर आंसर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट ऑफ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो आपको क्या करना है जी, माइनर क्या, माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है और उसके अलावा उसके राइट्स क्या होते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर पहले पार्ट का होगा आपका कि माइनर बन सकता है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ जी सेक्शन 30 है पार्टनरशिप एक्ट का, माइनर एडमिट हो सकता है टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, लेकिन फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता है, बस इतनी सी बात बतानी है। उसके बाद उसके सारे राइट बता दीजिए कि उसको माइनॉरिटी के दौरान क्या क्या राइट होते हैं। सर वो एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, पार्टनर्स को सूट फाइल कर सकता है, बट सिर्फ तब जब वो अपना कनेक्शन विद द फर्म सीवियर कर रहा है, अदरवाइज नहीं। और जब उसको मेच्योरिटी या मेजोरिटी आ जाती है तो 6 मंथ्स के अंदर उसको इलेक्ट करना होता है कि वो पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। 6 महीने खत्म होने के बाद अगर वो कुछ नहीं बताता है तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो पार्टनर की तरह कंटिन्यू करना चाहता है। तो 4 बातें आप उसके अंदर बता दीजिएगा, दिस इज इन टोटल 6 मार्क्स का आंसर जो आपने इसके अंदर देना था, ठीक है जी। ये हो गया आपका 4 मार्क्स का आंसर जो आपने इसके अंदर देना था। दिस वाज थ्योरी का क्वेश्चन जो पार्टनरशिप का पूछा गया था, आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। हां, मैं अगला क्वेश्चन देखें, ये अच्छा क्वेश्चन था जो केस स्टडी आई थी। आयुष वाज अ माइनर, परचेज्ड 10 फैंसी कोट्स फॉर वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स सुरजेवाला एंड सन्स। तो 10 फैंसी कोट्स खरीदे हैं उसने अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए क्रेडिट पर मेसर सुरजेवाला एंड सन से। द कॉस्ट ऑफ कोट्स आर 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए का ये कोट्स हैं। नॉट अ सिंगल कोट वाज अ नेसेसिटी, लॉजिक सबका साफ साफ क्वेश्चन में ही जो हमारा डाउट चल रहा था कि कोट क्योंकि कपड़ा पहनने का है क्या ये नेसेसिटी में आता है, उन्होंने क्लियर कर दिया इतनी फैंसी कोट है कोई नेसेसिटी सुस्ती नहीं है। आयुष हैज असेट्स वर्थ रुपीज 1 लाख रुपए, 1 लाख के असेट्स हैं आयुष के पास। मेसर सुरजेवाला एंड सन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द कंपनी अगेंस्ट आयुष फॉर रिकवरिंग ऑफ 80,000 रुपीज आउट ऑफ हिज असेट्स फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेदर आयुष इज लायबल टू पे 80,000। देख लो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कंफ्यूज पूरा किया उन्होंने क्वेश्चन के अंदर आपको। नेसेसरीज नहीं है ये बता दिया है, असेट हैं आपके माइनर के पास ये बता दिया है। तो सवाल उठता है कि अगर आप एक माइनर को नेसेसिटी के अलावा कुछ सप्लाई कर देते हैं क्या उसके असेट से भी रिकवर किया जा सकता है? माइनर से तो दोनों ही केसेस में नहीं किया जा सकता, भले ही नेसेसिटी हो भले ही नॉन नेसेसिटी हो। अगर आपकी नॉन नेसेसिटी है तो असेट से भी रिकवर नहीं किया जा सकता है
और साथ साथ माइनर से तो रिकवर करना ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो एक कोर्ट्स हैं क्लियरली बताया गया है नेसेसिटी नहीं है, तो सेक्शन 11 बेसिक रूल मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष बेसिक रूल कि हाँ माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट माइनर के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो ना इस केस में आप उसकी प्रॉपर्टी से कुछ रिकवर कर पाएंगे ना माइनर से कुछ पर्सनली रिकवर कर पाएंगे। ठीक है जी, आपका सिस्टेंट आंसर है। एक बार देख लेते हैं सेक्शन 11 का जिक्र किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड ऑफ इनिशियो। अ माइनर कैन नॉट बी एनफोर्स्ड टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज। पेरेंट्स एंड गार्डियंस ऑफ माइनर्स आर ऑल्सो नॉट लायबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द माइनर। However, a minor is liable for supply of necessaries out of his assets. Minor is not personally liable even for his necessaries. तो आपने 11, 68 का कांसेप्ट दोनों छोटे में बता दिया। सेक्शन नंबर आप साथ में मेंशन करिएगा, कोई आप 68 कोई समस्या नहीं है। इसने आपके सजेस्टेड आंसर में नहीं दिया हुआ सेक्शन नंबर, आपको याद होता है तो साथ साथ सेक्शन नंबर मेंशन करिए। इन द गिवन केस, इन द इंस्टेंट केस, मिस्टर सुरजेवाला एंड सन्स फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट आयुष फॉर 80,000 आउट ऑफ द असेट्स, जो 10 फैंसी कोट खरीदे थे। On the basis of the facts of the problem, the courts were not necessary items for Ayush. Hence, his assets cannot be attached for the payment of price of courts. Therefore, Messrs. Surjewala and Sons cannot claim 80,000 rupees from Ayush. So, 80,000 rupees किसी तरह से भी claim नहीं कर सकते हैं एक minor से। आइए जी, fourth question. पहला क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का थ्योरी होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो होता है पार्टनरशिप एक्ट की केस स्टडी होती है। दोनों 6 मार्क्स की होती है। पहले 6 नंबर का आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का थ्योरी का क्वेश्चन। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या कह रहा है जी, क्या पूछा है? बायर के राइट्स बता दीजिए किसके अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट। उल्टा नहीं पूछा है, बट ज्यादातर स्टूडेंट इतना ज्यादा याद कर जाते हैं सेलर के बताते हैं। बायर के राइट्स अगेंस्ट सेलर कम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस बार मॉक टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है कि अगर आप बायर हैं और आपके सेलर ने आपको गुड सप्लाई नहीं किए, ऐसे केस में आप बायर के अगेंस्ट सॉरी सेलर के अगेंस्ट क्या क्या सूट फाइल कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले सर डैमेजेस मांगेंगे नॉन डिलीवरी के। सीधी सीधी बात है कि गुड्स डिलीवर नहीं किए हैं, कई बार डैमेजेस से पेट नहीं भरता, गुड्स बड़े स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तीसरा सर गुड्स आ तो गए हैं लेकिन कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है जिसको मैं वारंटी ट्रीट कर रहा हूँ या मजबूरी में वारंटी ट्रीट करना पड़ रहा है, तो सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी डैमेजेस वगैरह मांग सकते हैं क्वालिटी इन्फीरियरिटी वाले का, यहाँ क्वालिटी ठीक नहीं थी गुड्स की, कुछ में कमी थी। चौथा सर एक तरह से एंटीसिपेटरी ब्रीच वाली बात हमने कवर की थी कि ऐसे सिनेरियोज में जहां उसने पहले ही बता दिया है कि हाँ मैं गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, तो आप चाहें तो उस दिन तक वेट करते रहिए तब सूट फाइल कर लीजिएगा, या आज ही के दिन क्या कर सकते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ उसको कॉन्ट्रैक्ट मानकर आज ही के दिन सूट फाइल कर सकते हैं। तो 60 में उसकी बात हुई थी और 61 लास्ट में आपकी इंटरेस्ट की बात करता था कि अगर एज बायर आपने सेलर के पास कुछ डिपॉजिट कुछ एडवांस दे दिया था और आपका जो सेलर है उसने आपको गुड्स देने से मना कर दिया, तो ऑब्वियसली जो एडवांस पैसा वापस मिलेगा वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कुछ एग्रीड था इंटरेस्ट रेट तो वो वाला रेट, अगर कुछ एग्रीड नहीं था जो तो कोर्ट को डीम फिट लगेगा उस रेट के ऊपर इंटरेस्ट आपको दिलाया जाएगा। तो 5 राइट्स हैं जो इसके अंदर देने हैं। आपका क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स का है लेकिन कोई समस्या नहीं है, सजेस्टेड आंसर 5 ही पॉइंट देता है क्योंकि एक्ट के अंदर 5 ही पॉइंट दिया हुआ है। तो ऐसे केस में 5 पॉइंट एक्सप्लेन करके आइए, आपको प्रॉपर मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आप लॉ के अंदर अपने आप खुद नहीं बना सकते होते हैं। तो इसमें 5 ही पॉइंट बनते हैं सर, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, नंबर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वारंटी का ब्रीच के लिए सूट अगर हुई है तो, उसके अलावा सर बिफोर डेट हुआ है तो वहां पर रिपुटेशन या सूट फॉर इंटरेस्ट की बात हो सकती है। ठीक है जी, ये हो गया 4 का ए पार्ट। फिर आते हैं 4 के बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पार्टनर्स के वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, देखें एक बार। पी क्यू आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, इसमें से आर जो पार्टनर है ये रिटायर कर जाते हैं विदाउट गिविंग अ पब्लिक नोटिस। पी अप्रोचेस एस, बाकी जो बचे हुए पार्टनर है उनमें से जो पी है ही अप्रोचेस एस एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ट्रेडर फॉर परचेज ऑफ 25 फैंस फ्रॉम हिम। तो ये मिस्टर एस से 25 फैंस खरीद के आ रहे हैं। पी इंट्रोड्यूस्ड ई एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म एज हिज पार्टनर टू एस, और इस पी ने एक ई नाम के व्यक्ति को जो इसके एम्प्लॉय थे इन्होंने इसको पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दिया है पर्सन एस को। एस बिलीविंग ई एंड आर एस पार्टनर्स, एस जो है वो ये भी मान रहा है कि ई ये एम्प्लॉय भी पार्टनर है और ये आर जो फॉर्म छोड़ गया है लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिए गए ये भी पार्टनर है, उसने सप्लाई कर दी है 25 फैंस टू द फर्म ऑन क्रेडिट। एस डिड नॉट रिसीव द पेमेंट फॉर द फैंस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड ऑल्सो सॉरी एडवाइस एस फॉर फ्रॉम होम ही कैन रिकवर द पेमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो बेटा 2 सेक्शन से मिलकर बना है, 2 सेक्शन का बोल बताएंगे आप स्टार्टिंग में। तो गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू कौन कौन सा सेक्शन है, 32 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसके अंदर स्पेसिफिकली आप ये वाली बात बताएंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ही कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स जो इवन उसके रिटायरमेंट के बाद होते हैं जब तक वो सॉरी पब्लिक नोटिस नहीं देता है। और साथ में
सेक्शन 28 का बात करेंगे, विच टॉक्स अबाउट पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट के कंसेप्ट के ऊपर जो कंसेप्ट है कि हाँ, एक पर्सन अगर एक्ट से, साइलेंस से अपने आप को पार्टनर होल्ड आउट करता है, तो ऐसे केस में भले ही वह एक्चुअल में पार्टनर ना हो, तो उस व्यक्ति के प्रति जिसको ये इंप्रेशन था, ये रिप्रेजेंटेशन मिली कि आप पार्टनर हो, उसके प्रति आप सारे के सारे डेट्स के लिए लायबल रहेंगे। तो दो टॉपिक से मिलकर बना हुआ है ये, 32 की वजह से आपका आर लायबल रहेगा, 28 की वजह से आपका ई लायबल रहेगा। तो दोनों के दोनों, और उसके अलावा पी और क्यू तो है ही। तो क्वेश्चन पूछा गया था किस किस से रिकवर कर सकते हैं, हमने कहा जी पी क्यू आर और ई चारों से आपका एस क्या कर सकता है, जॉइंटली एंड सेवरली इनको लायबल ठहराकर इनसे पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो वही बात है, 32 का सबसेक्शन 3 पूरा एक्सप्लेन किया है, 20 8 एक्सप्लेन किया है। इन द गिवन केस बताकर उन्होंने कहा है जी इस केस में 32 की वजह से जो आर है वो पार्टनर ना रहते हुए भी लायबल रहेगा, और ई जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज पार्टनर, ये 28 की वजह से क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। तो आर ई पी क्यू चारों के चारों क्या होंगे, पार्टनर्स जो है, जो दोनों बचे हुए पार्टनर्स और आर और ई दोनों के, तो सारे के चारे, सारे चारों के चारों लायबल हो जाएंगे एस के प्रति। तो एस कैन रिकवर द अमाउंट फॉर पी फ्रॉम पी क्यू आर एंड ई। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जल्दी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब दो टॉपिक्स आपस में, दो सेक्शन आपस में मिलाए हुए होते हैं। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट आपका सेल्स ऑफ गुड्स एट की केस स्टडी आएगी हमेशा 6 मार्क्स की, और 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन होगा आपका कंपनी एक्ट की तरफ, कंपनी एक्ट का। पहले देखते हैं क्वेश्चन 5 ए पार्ट सेल्स ऑफ गुड्स एट की केस स्टडी 6 मार्क्स की। जल्दी यही वो केस स्टडी अपना जल्दी जो पेपर में आप पेपर दुखी करती है कि अक्सर केस स्टडी सेल्स ऑफ गुड्स एट की थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती है। आइए देखें ये कैसी थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी केस स्टडी। समर वॉज इन सर्च ऑफ ए सेकेंड हैंड कार, फॉर दिस पर्पज ही अप्रोच कार वाला 007, अ डीलर इन प्री ओन्ड कार्स। The sales manager of car wala 007 showed him 3 cars which were standing in the parking lane just outside the office. Summer finalized a red Wagoner car after completing the documenting formalities and receiving the price of car. The sales manager of car wala 007 handed over the key of the car to Summer. To unhone beta car gaadi ki chabi documents wagera lekar पेमेंट लेकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके हैंडओवर कर दी है समर को। व्हेन समर वाज गोइंग टू द पार्किंग एरिया फॉर पिकिंग अप द कार, जब वो पार्किंग एरिया से कार लेने जा रहे थे, द इलेक्ट्रिक पोल फेल ऑन द कार विच बैडली डैमेज द कार, और इस समय कार डैमेज हो गई। समर क्लेम्ड द रिपेयर एक्सपेंसिस द कार शुड बी बोर्न बाय कार वाला 007 एज द कार वाज नॉट डिलीवर्ड टू हिम। समर का ये कहना है कार मुझे डिलीवर कहां हुई है, सिर्फ चाबी तो दी आपने अभी तक। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एट स्टेट Who will be liable to get the car repair? तो बेटा क्वेश्चन सारा किस बात पे खड़ा हुआ है, डिलीवरी हुई है या नहीं हुई, हमें मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सारा फोकस इस बात पे है कि समर कह रहे हैं कार डिलीवर नहीं हुई है, तो प्रॉपर्टी तब पास ऑन होनी थी जब कार क्या हो जानी थी, डिलीवर हो जानी थी। तो हम क्वेश्चन इस बात पे आंसर करेंगे, पहले जनरल बता देंगे कि हाँ जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसके पास लॉस होता है। क्वेश्चन अब यह है कि क्या का ये कार समर को डिलीवर की हुई मान ली जाए, तो डिलीवरी का कंसेप्ट पूरा का पूरा एक्सप्लेन करिए। सेक्शन 33 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, डिलीवरी हर उस तरीके से की जाती है विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द हैंड्स ऑफ द बायर और एनी पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ बायर। इसके हिसाब से डिलीवरी 3 तरीके की होती है, एक्चुअल होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, सिंबलिक होती है। तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे, मेनली फोकस किस पर रखेंगे, सिंबलिक डिलीवरी पर। सिंबलिक डिलीवरी वो होती है जहां पर आप गुड्स नहीं देते हैं, गुड्स को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई टोकन हैंडओवर कर देते हैं, और इस केस के अंदर जो गाड़ी की चाबी आपने हैंडओवर करी, दैट वाज इन इफेक्ट अ सिंबलिक डिलीवरी। तो गाड़ी की डिलीवरी किसको की जा चुकी है, आपके बायर को, क्या नाम है उसका, समर को की जा चुकी है। तो ऐसे केस में आप ये नहीं कह सकते हैं कि समर को गाड़ी नहीं मिली, भले ही गाड़ी पार्किंग के अंदर खड़ी है, लेकिन चाबी मिल जाना अपने आप में डिलीवरी मानी जाएगी, और ऐसे केस में फिर जो लॉस है वो कौन बियर करेगा, वो समर ही सारा का सारा लॉस बियर करेगा। तो सिंबलिक डिलीवरी बताने के बाद आप कहेंगे जी इन द गिवन केस समर परचेज अ प्री ओन्ड कार फ्रॉम कार वाला 007 विच वॉज स्टैंडिंग इन द पार्किंग लेन जस्ट आउटसाइड द ऑफिस। After completing the documenting formalities, he received the key of the car from sales manager of car wala 007. But when he was coming to the parking area for picking the car which was badly damaged due to fall of electric pole. सारे facts बताएं. On the basis of the above provisions and facts, it is clear that the handing of the key of the car is a symbolic delivery of car. Hence, summer being owner of the car must bear the repair of expenses of the car. तो ये आपके conclusion है इस बात के ऊपर कि गाड़ी की चाबी दे देना डिलीवरी था, और डिलीवरी होते ही आपके गुड्स की प्रॉपर्टी क्या हो गई है, पास ऑन हो गई है। हम मान के चल रहे हैं कि बाकी सब तो हो ही गया है, पेमेंट हो गया है, फॉर्मेलिटीज हो गई है, तो डिलीवरी रह गई, तो गाड़ी की चाबी देना ही अपने आप में क्या थी,
डिलीवरी थी, ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, लगभग हर बच्चे को आता होता है, कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, सरकमस्टांसेस बता दीजिए जब तक कंपनी का कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया जा सकता है। 6 मार्क्स का है, तो आप कॉर्पोरेट विल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद सारे के सारे वो सरकमस्टांसेस बताएंगे विद द केस लॉ के नाम, सिर्फ नाम बताते जाइएगा साथ में। आपके इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में केस नहीं दिए, बट केस जरूर मेंशन करिएगा, सारे केसेस जहां पर क्या हो सकता है, ट्रू करेक्ट डिटरमाइन करना, रेवेन्यू प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स और रेवेन्यू, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना, सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड इन प्रॉपर कंडक्ट, इन क्वाजाई क्रिमिनल केसेस, टोटल 6 केसेस होते हैं, सारे के सारे इसके अंदर आपको एक एक लाइन में उसके एक्सप्लेन कर देना है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन है। एंड लास्ट आपका क्वेश्चन 6, इसमें हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं, 5, 4 और 3 का। पहला क्वेश्चन आपका थ्योरी, आपका थ्योरी क्वेश्चन होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। चौथा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका थ्योरी क्वेश्चन होता है अगेन पार्टनरशिप एक्ट से। और थर्ड क्वेश्चन, ज्यादातर कई बार ये थ्योरी होता है, ज्यादातर ये केस स्टडी होती है कंपनी एक्ट से 3 नंबर की, ठीक है जी। बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनाया गया था ये भी। पहला क्वेश्चन, लिक्विडिटी डैमेजेस इज जेन्युइन प्री एस्टीमेट ऑफ कंपनसेशन ऑफ डैमेजेस फॉर सर्टेन एंटीसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज पेनल्टी ऑन द अदर हैंड इज एन एक्स्ट्रावेगेंट अमाउंट स्टिपुलेटेड एंड इज क्लियरली अनकॉन्शनेबल एंड हैज नो कंपैरिजन टू द लॉस सफर्ड बाय द पार्टीज। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लिक्विडिटी डैमेजेस एंड पेनल्टी विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, लिक्विडिटी डैमेजेस और पेनल्टी में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चार्ट्स में आएंगे तो मैं प्रॉपर टेबल बनाकर दोनों को डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है कि लिक्विडिटी डैमेजेस प्री जेन्युइन एस्टिमेट होते हैं, एक जेन्युइन एस्टिमेट होते हैं, मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है उसके आसपास का एस्टिमेट होते हैं। जबकि पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है एज कम्पेयर टू मैक्सिमम डैमेज जो इम्पोज किया जा सकता होता है। इंडिया में बात करें तो पेनल्टी की और आपका लिक्विडिटी डैमेजेस की कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट इंडिया के अंदर एज पर आपका 75 सेक्शन, सॉरी एज पर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये माना जाता है कि लिक्विडिटी डैमेजेस हो या आपकी, एक कंसेप्ट निकाल लूँ पहले मैं, कहाँ गया कंसेप्ट, हाँ जी रहा, तो आपके इंडिया में माना जाता है कि आपका लिक्विडिटी डैमेजेस हो या पेनल्टी का कंसेप्ट हो, 74 सेक्शन के हिसाब से ये मैक्सिमम लिमिट होती है टू विच द आपका कोर्ट जो है आपको डैमेजेस अवार्ड कर सकता है, सब्जेक्ट टू एक्चुअल डैमेजेस जो हुए हैं। तो अगर आपके एक्चुअल डैमेजेस कम हुए हैं तो आपको कम वाले ही मिलते हैं, हाँ ज्यादा हो गए हैं स्टिपुलेटेड अमाउंट से, जो पेनल्टी हो या लिक्विडिटी हो फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको मैक्सिमम वो अमाउंट मिलता है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेपर में पूछा तो क्या हुआ था, आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में डिफरेंस बता दीजिए। तो चार्ट्स में मैंने प्रॉपर ढंग से 4 पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं, एक लाइन में आपको उनको दोनों को डिफाइन कर देंगे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपकी जो सजेस्टेड आंसर आया उसने बस टेबल में नहीं लगाया है, वही लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी को डिफाइन करके उनके नीचे क्या किए हैं, 4 पॉइंट्स बनाकर, 5 पॉइंट्स बनाकर नीचे डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। मैंने सेम आपके जो चार्ट्स हैं उसके अंदर किसमें लगा रखा है, इसको प्रॉपर ढंग से टेबलर फॉर्म के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगेन ये भी आपको चार्ट्स के अंदर एज इट इज मिल जाएगा, पूरा का पूरा पार्टनरशिप और को ओनरशिप, सेम यही टेबल आपको मिलेगी चार्ट्स के अंदर। 4 पॉइंट्स हैं, शुरू से हमने देखा था कि सर पार्टनरशिप जो है एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, को ओनरशिप जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो, कई बार इनहेरिटेंस से भी आती है। पार्टनर्स में इंप्लाइड एजेंसी होती है, को-ओनर्स में कोई इंप्लाइड एजेंसी नहीं होती है। पार्टनरशिप में कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो प्रॉफिट्स एंड शेयर लॉसेस वगैरह शेयर करते हैं। को-ओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार तो बिजनेस तक नहीं होता है, तो प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करने की बात ही नहीं है। पार्टनरशिप में जनरली आप अपना शेयर जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, को-ओनरशिप में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो 4 डिफरेंसेस हैं जो आपने देने थे। लास्ट केस अच्छा है, पेपर में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, ये पहले भी आ चुका है, एक बार इसको देखेंगे। इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। मिस्टर आर, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टॉयज, अप्रोच्ड एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स वर्थ 1,50,000। मिस्टर आर वॉज ऑफर्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया गया था। मिस्टर आर वेंट टू द कंपनी प्रायर टू द ड्यू डेट एंड मेट मिस्टर सी, एन एम्प्लॉई एट द बिलिंग काउंटर, हु कन्विंस्ड द फॉर्मर दैट द पेमेंट कैन बी मेड टू हिम एट एज द बिलिंग कैशियर ऑन हिज ऑन लीव। तो आप जब पैसा पे करने गया मिस्टर आर, वहां पर बिफोर ड्यू डेट चला गया था, पे करने गया तो एक मिस्टर सी मिले जो एम्प्लॉय थे, बिलिंग काउंटर के ऊपर ही बैठे थे। उन्होंने कहा जी कैशियर छुट्टी पे है तो आप मुझे ही पेमेंट कर दीजिए, मैं पेमेंट लेने के लिए ऑथराइज हूँ। मिस्टर आर पेड द मनी एंड वॉज इशूड अ साइंड एंड सील्ड रिसीट बाय मिस्टर सी। उन्होंने पे किया, बकायदा सी ने क्या बना के दी, एक रिसीट बना के भी दी। आफ्टर द लैप्स ऑफ ड्यू डेट आर रिसीव्ड अ रिकवरी नोटिस फ्रॉम द कंपनी फॉर 1,50,000। लेकिन जिस दिन ड्यू डेट आई, कंपनी से नोटिस आ गया कि आपने 1,50,000 रुपया नहीं दिया, 1,50,000 रुपये पे करके आई है।
Mr. R informed the company that he has already paid the above amount and being an outsider had genuine reason to trust Mr. C who claimed to be employee and issued him a receipt. उसने कहा जी मैं तो आया था, मैं एक मिस्टर सी को देके गया हूँ, आपके एम्प्लॉई हैं, उन्होंने मुझे रिसीट काट के दिया बकायदा. द कंपनी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट मिस्टर आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज. डिस्कस द फेट ऑफ दिस सूट एंड द लायबिलिटी ऑफ आर टुवर्ड्स कंपनी एज ऑन करंट डेट इन कंसोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द रिसीट अंडर द कंपनी सील वॉज नॉट इशूड बाय मिस्टर सी आफ्टर रिसीविंग पेमेंट. सेकेंड पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका आंसर बदलेगा अगर मिस्टर सी ने कोई रिसीट ना दी होती. तो बेटा इससे समझ आता है कि जब पहला पार्ट है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, यानी कि बेसिक रूल का इंडोर मैनेजमेंट एक्सप्लेन करें और कहें जिस केस में एक आउटसाइडर है उसके पास कोई शक करने का कारण नहीं था, वो ऑर्गेनाइजेशन में गया, एम्प्लॉय बैठा था, एम्प्लॉय ने रिसीट बना के दी, पेमेंट दिस को दे आया, बात खत्म हो गई. ऐसे केस में कंपनी डिनाई नहीं कर सकती है आउटसाइडर को कि आपने पेमेंट नहीं करी, इंडोर मैनेजमेंट का कंसेप्ट लगेगा. हाँ, लेकिन अगर रिसीट नहीं मिली है आपको तो ऐसे केस में बेटा ये नेग्लिजेंस वाली एक्सेप्शन बनती है, सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस वाली एक्सेप्शन बनती है कि आप किसी को पैसा दे के आ रहे हैं, एक तो वो आपको बता ही रहे हैं मैं कैशियर नहीं हूं, ऊपर से आप उसको जो पैसे दे के आ रहे हैं उसके लिए वो आपको रिसीट तक नहीं दे रहा है, रिसीट भी नहीं दे रहा है. तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि इंडोर मैनेजमेंट नहीं लग सकता है सेकंड पार्ट में अगर आपको रिसीट नहीं दी गई है, क्योंकि ऐसा केस फिर सस्पिशन का केस है जहां पर आपका जो पर्सन है जो पेमेंट कर रहा था ही शुड हैव बीन मोर कॉशियस, ही शुड हैव बीन मोर इन्वेस्टिगेटिंग कि हाँ एक्चुअल में पर्सन को अथॉरिटी है कि नहीं, या इंडोर मैनेजमेंट का कंसेप्ट नहीं लगेगा. द पर्सन कैन बी सेड कि आपने पेमेंट नहीं करी है, ये कह लीजिए कंपनी इस केस में सूट फाइल कर सकती है. तो पहले आप इंडोर मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट बताएंगे, रॉयल ब्रिटिश बैंक का किस टर्गमेंट का केस बताएंगे, फिर इन द गिवन केस सारी कहानी बता के पहले वाले का कंक्लूजन देंगे कि ऐसे केस में सर इन द इंस्टेंट केस आर इज नॉट लायबल टू पे 150,000 टू एमएनओ एज ही हैज जेन्युइन रीजंस टू ट्रस्ट मिस्टर सी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज इशूड हिम अ साइंड एंड सील्ड रिसीट. जब सीट रिसीट मिली है तो इंडोर मैनेजमेंट लगेगी, कुछ देने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर रिसीट नहीं मिली है तो एक्सेप्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी. सस्पिशियस और ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज इन नो वे रिवॉर्ड्स फॉर दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली. तो ये नेग्लिजेंट लोगों को बचाने के लिए नहीं बना है. इट इज अ ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक नेसेसरी इंक्वायरीज इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इफ द रिसीट अंडर द कॉमन सील वॉज नॉट इशूड बाई मिस्टर सी आफ्टर रिसीविंग पेमेंट, मिस्टर आर इज लायबल टू पे द सेड अमाउंट एज दिस विल बी डीम्ड टू बी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर आर एंड इट इज द ड्यूटी टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी टू चेक वेदर सी इज एलिजिबल टू मेक पेमेंट और टू टेक पेमेंट और नॉट. तो हमने कहा जी इसके अंदर सारे गेम किस पे खड़ा हो गया था, वो रिसीट के ऊपर कि आप गए एक सी पर्सन ने आपको एम्प्लॉय बताया, आपने उसको एम्प्लॉय मारते हुए पेमेंट किया, उसने कंपनी के हिसाब कंपनी के नाम की कॉमन सील लगा के आपको रिसीट दे दी, चेक करने का कोई कारण ही नहीं था, इंडोर मैनेजमेंट लगता है. अगर रिसीट नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में सस्पिशन वाली एक्सेप्शन लगेगी, शक करने का कारण था और आपने ऐसे केस में भी अगर पेमेंट कर दी है तो ऐसे केस में इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचा पाएगी. ठीक है जी, ये था हमारा पूरा का पूरा बेटा लॉ वाला पार्ट जो मैंने आपके साथ कवर किया. सारे के सारे क्वेश्चन केस स्टडीज एक दो अच्छी थी तो इस वजह से मैंने आपके साथ पूरा का पूरा कवर कर लिया है. अगेन जो क्वेश्चन पेपर है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा. जो पहला आपका मॉक टेस्ट था वो भी मैंने इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा. उसमें भी एक दो अच्छी केस स्टडीज थी अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो. इसके अलावा आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो हाउ टू राइट की वीडियो आपको मिल जाएगी, चार्ट्स क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, हमारा मैराथन आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा. 10 आवर के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिवाइज कराया हुआ है, उसका आप यूज कर सकते हैं. खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने एक बार देख भी लिया है, माई रिकमेंडेशन विल बी कि पेपर तक बार बार उसको फास्ट ट्रैक पर सुनते रहिए, चीजें रिटेन करने में आपकी मदद करेगा. ठीक है जी, चलिए बने रहिए इसी चैनल के ऊपर और यूजफुल कंटेंट के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, गुड बाय.